बड़ी संख्या में फिल्म और टीवी कलाकार पहुंचे। उन्हीं कलाकारों में से एक अखिलेंद्र मिश्रा का कहना है कि लोग फिल्में देखें, नाटक देखें और खूब साहित्य पढ़ें, इससे सामाजिक पुनर्जागरण होगा। अखिलेंद्र मिश्रा से बात की न्यूज 18 संवाददाता अन्य अमृता ने। जोधपुर में फिल्म फेस्टिवल का आयोजन चल रहा है और बॉलीवुड के कलाकारों ने इसमें चार चांद लगा दिए हैं। हमारे साथ इस वक्त अखिलेंद्र मिश्रा जी हैं और मेरा मतलब है क्रूर सिंह जी हैं। क्रूर सिंह के नाम से हम उन्हें ज़्यादा जानते हैं, उनसे हम बात करते हैं। सर, आपका स्वागत है न्यूज़ 18 में और आपसे ये जानना चाहेंगे कि अब छोटे छोटे शहरों में जो फिल्म फेस्टिवल का आयोजन चल रहा है, खासकर झारखंड बिहार में, तो ये कितना सुकून देता है एक्सपोजर के मामले में? नहीं, बहुत अच्छी बात है। फिल्म फेस्टिवल तो अभी पूरे हिंदुस्तान में हर शहर में एक आंदोलन की तरह होने लगा है। एक सिनेमा के लिए एक अच्छा दिन है। थिएटर में देखने के लिए नहीं मिलता है जो सार्थक सिनेमा है, जो सामाजिक सरोकार का सिनेमा है, जिसको कभी कला फिल्म कहा जाता था, पैरेलल सिनेमा कहा जाता था, वो फिल्में इन फेस्टिवल में देखने के लिए मिलता है। और इससे क्या होगा कि हर शहर में होने से हर युवा वर्ग को इससे बहुत फायदा होगा। सिनेमा के बारे में वो लोग जानेंगे। मैं बस अपने दर्शकों से यही कहूँगा कि फिल्में देखिए, नाटक देखिए। जितने लोग मंदिर जाते हैं, मस्जिद जाते हैं, उतने ही लोग नाटक देखने भी आए, सिनेमा देखने भी आए, साहित्य भी पढ़ें, तभी जाकर सामाजिक सांस्कृतिक जागरण होगा। और जब तक सामाजिक सांस्कृतिक जागरण नहीं होगा, आप अपने संविधान को नहीं समझ पाएंगे। धन्यवाद। अखिलेंद्र मिश्रा जी जो खुलकर बता रहे थे, उन सभी विचारों को व्यक्त कर रहे थे कि कैसे सांस्कृतिक जागरण के बगैर हम अपने संविधान को भी नहीं समझ सकते। कैमरामैन कुणाल के साथ अन्नी अमृता, न्यूज 18, जमशेदपुर।